हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। माई सेल्फ चित्रंजन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। दिस इज द पार्ट 10। ओके, ये पार्ट 10 हम लोगों का है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 9th पार्ट कवर किया है इस टॉपिक पे। आज हम लोगों का मे बी लास्ट टॉपिक है। ओके, तो इसको हम लोगों को आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुडे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें आपको, जिसका नाम एबीसी है, इसमें मीडियन दिया हुआ है। ये ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी, इसमें ये मीडियन है एडी। एडी इज प्रोड्यूस टू एक्स, एडी को एक्स तक प्रोड्यूस किया गया है। क्लियर है? सच दैट एडी इक्वल टू डी एक्स, यानी ये और ये इक्वल हो गया। क्लियर स्टूडेंट? ये दोनों को इक्वल कर दिया। प्रूव दैट ए बी एक्स सी, ए बी एक्स सी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो अब इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इसे कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे स्टूडेंट? तो इसे पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सबसे पहले गिवन दैट इन ट्रायंगल एबीसी we have given that in triangle abc ad is a median, median, clear hai? ad ek median hai, to aur dusra kya hai? एंड प्रोड्यूस टू एक्स। ओके, प्रोड्यूस टू एक्स सच दैट ए डी इक्वल टू डी एक्स। ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर है? और स्टूडेंट, मीडियन में AD इक्वल टू, और दूसरा हमारा ये तो गिवन है, क्लियर हो गया, और दूसरा भी गिवन है स्टूडेंट। अब यहां पे नाउ सबसे पहले यहां पे लिखेंगे टू प्रूफ क्या दिया हुआ है, ए बी एक्स सी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो अब इसको ज्वाइन करेंगे कंस्ट्रक्शन में। ज्वाइन bx and cx, अब प्रूफ। तो प्रूफ में स्टूडेंट, सिंस ad इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल abc, therefore AD इक्वल टू, सॉरी BD इक्वल टू DC, इक्वेशन 2। ये कैसे हुआ, मीडियन बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को। क्लियर है? तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी हैव ए बी एक्स सी इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट इन अ पैरेललोग्राम, डायगोनल पैरेललोग्राम में ही बाइसेक्ट होते हैं, क्लियर है? तो इसलिए यह एक क्या है, पैरेललोग्राम है, प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, अब यहां पे ये पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट होते हैं, ये डायगोनल है, ए एक्स और बी बी सी, ये बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है? डायगोनल से यहां पे थोड़ा सा और यहां पे आप ऐड कर सकते हो स्टूडेंट, डायगोनल का नाम लिख दो ए एक्स एंड बी सी बाइसेक्ट डायगोनल बाइसेक्ट इन अ पैरेललोग्राम, ये रहने दो, ये सुटेबल है स्टूडेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, इन अ ट्रायंगल एबीसी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, द एल्टीट्यूड ए पी टू बी सी इंटरसेक्ट एफ ई एट क्यू, प्रूव दैट ए क्यू इक्वल टू क्यू पी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है जिसमें मैं फिगर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इन ए ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्रेंगल है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी, ई एंड एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, ए सी और ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एफ और ई है, क्लियर है? ये दोनों मिड पॉइंट दिया हुआ है। द एल्टीट्यूड ए पी टू बी सी इंटरसेक्ट, एल्टीट्यूड ये है ए पी, ये बी सी को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री होगा, ई एफ एट क्यू ये है, प्रूव दैट ए क्यू इक्वल टू क्यू पी, ए क्यू इक्वल टू क्यू पी, क्लियर है? तो ये एल्टीट्यूड यहां पे दिया हुआ है, ये एल्टीट्यूड है, स्टूडेंट इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन दैट जो भी दिया है, गिवन दैट इन ट्रायंगल एबीसी ई एंड एफ आर, ए बी सी, ए पी क्या है, ओके एल्टीट्यूड है, ओके डोंट वरी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, एंड ए सी
respectively. Okay. Now, given that in triangle ABC, E and F are midpoints of AB and AC respectively, ये clear है? तो अब midpoint theorem से यहाँ पे E, F parallel BC by midpoint theorem. ओके ये हो सकता है, ये पैरेलल हो सकता है. ओके स्टूडेंट, अब अगेन इन ट्रायंगल एबीपी, एबीपी में आपका क्या है, एबीपी एफ एंड ABP FQ parallel BP. ओके क्यों ये ऐसा होगा, यहां पे लिख देते हैं सिंस FE parallel BC. तो ये इसका पार्ट है, ये पैरेलल है, तो ये लाइन भी पैरेलल होगा. दिस इज द पार्ट ऑफ बोथ लाइंस. ओके अब स्टूडेंट आपको अब मिड पॉइंट के कन्वर्स से आपका ये प्रूव होगा. देन ई एंड क्यू आर, ई तो मिड पॉइंट दिया हुआ है. ओके of midpoint. ओके ये मिड पॉइंट के कन्वर्स से आपका क्यू क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. हेंस ए क्यू इक्वल टू क्यू पी प्रूव्ड. ओके स्टूडेंट तो ये आपका सपोज करो कि ये, तो ये अगर मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो दूसरे का क्या होता है, ये भी मिड पॉइंट होता है. क्लियर है? तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपका ये भी प्रूव हो गया. थर्ड वन, इन अ ट्रायंगल एबीसी बीएम एंड सीएन आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी एंड सी. यहां पे फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट, फिगर में आप लोग समझिए. यहां पे एबीसी में एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें आपको बीएम परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी, बी से है, और दूसरा क्या है सी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑन एनी लाइंस पासिंग थ्रू ए. तो ये बी एन हमने ले लिया और ये सी एन ले लिया है. अब आपको लगेगा कि ये तो ट्रायंगल के बाहर है, लेकिन इस तरीके का आपको मैं प्रीवियस ईए में बताया था कि कोई भी ट्रायंगल है अगर इस तरीके का है तो उसका आप परपेंडिकुलर ऐसे कर सकते हो, बट अगर ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है तो उसका परपेंडिकुलर आपको लेना होगा, तो आप हमेशा इसको प्रोड्यूस करके इस पे करोगे. ठीक है, अगर इस वर्टेक्स से आपको इसको करना है तो. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर आपका होता है, इधर परपेंडिकुलर होगा इस वर्टेक्स से, और इस वर्टेक्स से यहाँ पे ये हो जाएगा. तो वही यहाँ पे हम लोगों ने इसे इस पे किया, और इस वर्टेक्स से आप
यहाँ पे ले सकते हो, अंदर तो ले नहीं सकते हो, क्लियर है। तो इसी पे यानी कि आपको सी एन बी एम और सी एन दो लिया गया है, बी एंड सी फ्रॉम यानी कहाँ से, बी और सी से। तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट। अब बात आती है इसको प्रूव क्या करना है। तो प्रूव करने में आपको इफ एल इज द मिड पॉइंट, यहां कह रहा है कि एल आपका मिड पॉइंट है, ओके एल आपका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, बीसी बीसी का मिड पॉइंट है। तो प्रूव करना है एम एल, एम एल और एल एन, ये प्रूव करना है, ओके स्टूडेंट। तो ये कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट, तो अब यहां पे आप देख लो ये मिड पॉइंट दिया है, ये भी मिड पॉइंट है। तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो ये क्या होगा, इसका सीपीसीटी से ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, क्लियर है। तो अब हम लोग इसको वही करते हैं, गिवेन दैट, गिवेन दैट इन ट्रायंगल ए बी सी बी एम एंड सी एन बी एम परपेंडिकुलर ए एल एंड सी एन परपेंडिकुलर ए एल, क्लियर है। ए एल विच प्रोड्यूस एट एन, ओके एन तक इसे प्रोड्यूस किया गया है, क्लियर है। और एक और टर्म कंडीशन क्या है, एंड ऑल्सो बी एल इक्वल टू एल सी, इक्वेशन वन, ओके। अब स्टूडेंट यहां पे टू प्रूव, टू प्रूव में आपका क्या है, एम एल इक्वल टू एल सी, ओके एम एल और एल सी को प्रूव करना है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ देना है। तो प्रूफ में आपको इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे स्टूडेंट, एल बी एम, एल बी एम एंड एल सी एम, एंड ट्रायंगल एल सी एम वी हैव, ये दो ट्रायंगल को हमने लिया, कौन कौन सा ट्रायंगल स्टूडेंट, तो ये सारे ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल हैं। अब इसमें क्या क्या गिवन है, तो गिवन फर्स्ट तो आपको बी एल इक्वल टू, बी एल इक्वल टू एल सी फ्रॉम इक्वेशन वन, या गिवन भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, गिवन इसे इक्वेशन नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा, ओके। सेकंड वन है एंगल, एंगल बी एम एल इक्वल टू सी एल एन ईच 90 डिग्री, ओके ईच 90 डिग्री है। और तीसरा हमारा क्या है स्टूडेंट, एंगल एम एल बी इक्वल टू एंगल एन एल सी
बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ देख लीजिए बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। तो ये थ्री कंडीशन हमें यहाँ पे मिले, कौन कौन सा, एक बी एल और एल सी गिवन है, एक स्टूडेंट ये 90 डिग्री दोनों में गिवन है, और दूसरा ये इक्वल हो गया। तो ये कौन सा क्राइटेरिया से ये हमें यहाँ पे फाइंड हुआ, देन ट्रेंगल एल बी एम एम इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल एल सी एन बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स क्या क्या हमें, तो ये सीपीसीटी से हो जाएगा, एम एल इक्वल टू एल एन बाई सीपीसीटी प्रूव्ड, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके का आपको देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का भी बहुत अच्छे से यूज हम लोग सभी क्वेश्चंस में लगभग कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि इसमें कैसी प्रॉपर्टी को यूज करना है, ओके स्टूडेंट। तो इस तरीके से अब हम लोग इसे प्रूव कर दिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। फिगर में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे ये राइट एंगल है, तो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है एट बी, गिवन दैट ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसे हम क्या ले लेते हैं, 9 सेंटीमीटर, ओके। ए सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये कितना है, 15 सेंटीमीटर, ओके। एंड डी ई आर द मिड पॉइंट, डी और ई मिड पॉइंट है ये दोनों का, क्लियर है, ऑफ द ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी का लेंथ फाइंड करना है, तो ये तो बहुत ईजी है स्टूडेंट। और दूसरा निकालना है द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, ये भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्यूशन इसका करते हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। देन बाई पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम वी हैव ए सी स्क्वायर इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो ए सी की वैल्यू क्या है, 15 स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, 225 इक्वल टू 81 प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 81, देन बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी सी इक्वल टू
फोर फोर वन इट मीन्स ट्वेल्व सेंटीमीटर। तो बी सी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, एक आंसर अब हमने डिराइव कर लिया। ओके अब सेकेंड आंसर कर रहा है द एरिया ऑफ ए डी ई, अब इसका एरिया निकालना है इसमें, तो इसका एरिया चलिए निकालते हैं। सेकेंड है ये हमारा क्या था फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकेंड है। सेकेंड में आपको ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 इक्वल टू 4.5 सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट है ए बी का। ओके सिमिलरली ए इक्वल टू 15/2 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, और ये हमें इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें यूज करना है। अब स्टूडेंट देखिए, जब ये इसके पैरेलल है एंड डी ई इक्वल टू 1/2 बी सी, क्यों होगा, चूंकि ये डी ई और बी सी ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा क्या होता है, ये इसका हाफ होता है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके तो अब यहां पे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12/2 इट मीन्स 6 सेंटीमीटर। अब एरिया कैसे निकालोगे आप, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू बी सी बी ई डी ई सॉरी डी ई, तो 1/2 इंटू ए डी की वैल्यू क्या है 9/2 यानी 4.5 इंटू 6, तो 6 से कैंसिल हो गया 3 टाइम में, तो 13.5 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर 13.5 सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया, ये 13.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। ओके तो स्टूडेंट एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ब्रीफली समझ लीजिए। यहां पे करना क्या है, प्रूव दैट पी क्यू आर इक्वल टू ए स्टूडेंट, यहां पे ये डिग्री दिया हुआ है। ओके ये डिग्री है 90 डिग्री, इसे डिग्री यहां पे लिख दो, ये डिग्री है। ओके अब 90 डिग्री पी क्यू आर को आपको प्रूव करना है, इट मीन्स इसे 90 डिग्री प्रूव करना है, तो इट मीन्स ये 90 डिग्री होना चाहिए या ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री यहां पे गिवन है बी परपेंडिकुलर एसी, बी परपेंडिकुलर एसी दिया हुआ है। अब स्टूडेंट हमें इसको प्रोड्यूस करके इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर देना है, तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा आपको 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है कुछ, इस पर मिड पॉइंट्स ए एच ए बी बी सी ये सब मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है इसका, ठीक है, उसी तरीके से मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये और ये आपका पैरेलल है, ये पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये मिड पॉइंट है, क्लियर है, तो ये आपको इसके पैरेलल होगा, और उसी तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हो। ओके
तो इसे आप होमवर्क में कर लीजिएगा स्टूडेंट, इसे मैं आपको होमवर्क में कर रहा हूँ, अगर ये नहीं सॉल्व होगा तो फिर से मैं इसे सॉल्व करूँगा। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।